इन दिनों परिणीति चोपड़ा आम आदमी पार्टी के लीडर राघव चड्ढा को डेट कर रही है। गॉसिप गलियारों में इनके इश्क विश्क के चर्चे जोरों शोरों से शुरू है। कहा जा रहा है कि परिणीति राघव को अपना दिल दे बैठी है। वेल, परिणीति की लव लाइफ की बात करें तो वो इतनी आसान नहीं रही है। राघव चड्ढा से पहले परिणीति का नाम कई स्टार्स के साथ जुड़ चुका है। यह हम कुछ ऐसे स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके साथ परिणीति के लिंकअप की खबरें सामने आई थी। अर्जुन कपूर, यूं तो परिणीति ने साल 2011 में आई फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। हालांकि बतौर लीड एक्ट्रेस उनकी पहली फिल्म इश्कज़ादे थी, जिसमें वो अर्जुन कपूर के ऑपोजिट नजर आई थी। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया था। साथ ही दोनों असल जिंदगी में भी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते थे, जिसकी वजह से दोनों के लिंकअप की खबरें सामने आई थी। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते पर खुलकर बात नहीं की और आज भी दोनों अच्छे दोस्त बने हुए हैं। आदित्य रॉय कपूर, परिणीति और बॉलीवुड के हैंडसम हंक आदित्य रॉय कपूर ने फिल्म दावत-ए-इश्क में एक साथ काम किया था। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन दोनों की जोड़ी दर्शकों को भा गई थी। इसके बाद दोनों के अफेयर की खबरें भी सामने आई, लेकिन उन खबरों की भी कभी पुष्टि हो नहीं पाई। मनीष शर्मा, बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि परिणीति का नाम फिल्म मेकर मनीष शर्मा संग भी जुड़ चुका है। हालांकि पब्लिकली दोनों शायद ही कभी साथ में नजर आए हो। समय के साथ इनके अफेयर की खबरें भी कम होती गई। उदय चोपड़ा, कहा जाता है कि फिल्म इश्कज़ादे की शूटिंग के दौरान परिणीति चोपड़ा और उदय चोपड़ा की मुलाकात हुई थी। वहीं से दोनों की डेटिंग की खबरें हवाओं की तरह फैलने लगी। दोनों को इश्कज़ादे की सक्सेस पार्टी में भी साथ में देखा गया था, लेकिन दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते पर खुलकर बात नहीं की और इस तरह परिणीति उदय के अफेयर की अफवाहों पर भी फुल स्टॉप लग गया था। हार्डी संधु, परिणीति चोपड़ा फिल्म कोड नेम तिरंगा में हार्डी संधु के साथ नजर आई थी। दोनों को एक बार साथ में डिनर डेट पर स्पॉट किया गया था, जिसने दोनों के डेटिंग रूमर्स को हवा दी थी। हालांकि इन खबरों पर न तो परिणीति और न ही हार्डी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई थी। चरित देसाई, परिणीति और असिस्टेंट डायरेक्टर चरित देसाई की लव स्टोरी को उस वक्त हवा मिली जब कजिन प्रियंका चोपड़ा की प्री वेडिंग बैश पर दोनों की मुलाकात हुई थी। प्रियंका ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, फ्रेंड्स फैमिली। इस तस्वीर में प्रियंका और उनके पति निक जोनस के अलावा परिणीति के साथ चरित भी नजर आ रहे थे। इसके बाद दोनों के अफेयर की खबरें शुरू हो गई थी। हालांकि परिणीति ने इस खबर को गलत और बेसलेस बताया था। वेल, परिणीति और राघव को लेकर जिस तरह गॉसिप गलियारों का बाजार गर्म है और दोनों के रिएक्शन को देख कहा जा सकता है कि दाल में कुछ काला तो है। भले ही दोनों ने इस पर अब तक चुप्पी साध रखी है, लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार कहाँ छुपाए छुपता है, सच एक दिन सामने आ ही जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे परिणीति के अफेयर और ब्रेकअप के बारे में? राघव चड्ढा के साथ इनकी जोड़ी आपको कैसी लगती है? नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए और देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।